उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से एक ऐसी घटना सामने निकल करके आती है जिसको सुन हर कोई दंग रह जाता है। हालांकि ये घटना बहुत छोटी सी है कि एक परिवार की गरीब लड़कियां होती हैं जिनके सामने अमीर खानदान के 8 लड़के मौजूद होते हैं, लेकिन जो दबंग होते हैं या जो माफिया होते हैं वो अपराध करने से पहले ये भूल जाते हैं कि वो किसके राज में हैं। अमीर खानदान के लड़कों के टोयोटा गाड़ी के सामने सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर आ जाता है, जिसके बाद से ये पूरी कहानी शुरू होती है। दरअसल कुशीनगर के रामकोला क्षेत्र में एक किराए के घर में पश्चिम बंगाल से आई दो डांसर्स किराए के घर में रह रही होती हैं, जिनके पास आधी रात को फोन आता है कि आपको एक पार्टी में आकर के डांस करना है। वो लड़कियां मना कर देती हैं, जिसके बाद से अमीर खानदान के लड़के फॉर्च्यूनर और टोयोटा गाड़ियों में सवार होकर आते हैं और बंदूक की नोक पर उन दो डांसर्स को उठा करके ले जाते हैं। आधी रात को कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र में फोन जाता है, पुलिस फोन उठाती है, जिसमें एक मकान का मकान मालिक ये कहता है कि यहाँ पे तोड़फोड़ हुई है और हवाई फायरिंग हुई है और यहाँ से दो लड़कियों को बंदूक की नोक पर उठा के ले जाया गया है, जिसके बाद से पुलिस इस मामले की पूरी जांच करती है और महज 2 घंटे के अंदर उन दो डांसर्स को सकुशल रिहा करवा लिया जाता है। अब इस पूरी कहानी की विस्तार से बात करें तो कुशीनगर के रामकोला क्षेत्र से महज 10 से 20 किलोमीटर दूर गणेश चौक पड़ता है, जहां पर एक युवक की बर्थडे पार्टी हो रही होती है। उस बर्थडे पार्टी में अमीर खानदान के 8 लड़के मौजूद होते हैं, जिसमें से एक भाजपा नेता के बेटे का नाम भी सामने आता है, जिसका नाम आर्थक सिंह बताया गया है। ये लोग अपने दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, आधी रात तक सेलिब्रेशन चलता है। जब आधी रात पे सेलिब्रेशन खत्म होने वाला होता है तो एक लड़के के दिमाग में आता है कि क्यों ना इस पार्टी में डांसर्स को बुलाया जाए, जिसके बाद कुशीनगर के रामकोला में किराए का मकान लेकर रह रही उन दो डांसर्स के पास उन लड़कों का फोन जाता है। वो लड़के कहते हैं कि यहाँ पे पार्टी है और आपको आना है, लेकिन लड़कियां मना कर देती हैं। लड़कियां कहती हैं कि हमारी बहन ने हमें मना किया है, इतनी रात को लड़कियों का बाहर निकलना सेफ नहीं है, तो हम नहीं आएंगे। जिसके बाद अमीर खानदान के लड़के अपने टोयोटा और फॉर्च्यूनर गाड़ियों में सवार होकर आते हैं, लगातार उन लड़कियों को फोन करते हैं, लेकिन वो लड़कियां फोन नहीं उठाती हैं। जिसके बाद फिर वो हवाई फायरिंग करते हैं, किराए के घर में तोड़फोड़ करते हैं, फाटक तोड़ते हैं, जिसके बाद उस मकान मालिक का फोन पुलिस के पास जाता है। इस मामले की खबर जैसे ही पुलिस को लगती है, पुलिस इस मामले की छानबीन में लग जाती है, जिसके बाद महज 2 घंटे के अंदर उन दो लड़कियों को गणेश चौक से सकुशल रिहा करवा लिया जाता है। अब ये जो तस्वीर आपके सामने नजर आ रही है, इसमें आपको व्हीलचेयर में बैठे अमीर खानदान के दो शहजादे दिख रहे हैं, जो अपनी अमीरी का शो ऑफ करते हैं, जो अपने पैसों का शो ऑफ करते हैं। इन दो अमीर शहजादों को पुलिस एक मुठभेड़ में बरामद करती है। दरअसल होता यह है कि जैसे ही पुलिस गणेश चौक पहुंचती है तो वहां से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है, जहां पे पार्टी चल रही होती है। उसके बाद 2 आरोपी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भाग नहीं पाते क्योंकि पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है, जिसमें पुलिस उनके पैर में गोली मार देती है। सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में लंगड़ा ऑपरेशन यहीं से देखा जा सकता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर उन्हीं दो अमीर शहजादों की है जो अपनी दबंगई का शो ऑफ कर रहे थे। इन दो आरोपियों के पास से 63,000 रुपए पुलिस को बरामद होते हैं, 4 जिंदा कारतूस बरामद होते हैं, अवैध पिस्तौल बरामद होती है, साथ ही नेपाल की करेंसी बरामद की जाती है, और यही नहीं कई तरह की अवैध चीजें भी इन आरोपियों के पास से बरामद किए जाते हैं। अगर थोड़ा सा रिपोर्ट की बात करूं तो इसमें जो 8 आरोपी गिरफ्तार किए जाते हैं, उसमें नगेंद्र यादव शामिल हैं, अश्विन सिंह शामिल हैं, कृष तिवारी हैं, आर्थक सिंह हैं जो कि भाजपा नेता के बेटे हैं, अजीत सिंह हैं और डॉक्टर विवेक सिंह बताए जाते हैं। हालांकि जो आर्थक सिंह है वो बीजेपी नेता के बेटे हैं, बीजेपी नेता जो है कुशीनगर से टिकट लेने वाले थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिलता है, लेकिन काफी जाना माना नाम कुशीनगर में माना जाता है। हालांकि इन 8 आरोपियों को पुलिस जैसे ही गिरफ्तार करती है, उनमें से 2 लोगों के पैर में गोली लगती है, जिसके बाद पुलिस इन 2 अमीर शहजादों को गोली लगने के बाद उनकी मरहम पट्टी करवाती है और व्हील चेयर में बिठाकर मीडिया के सामने लेकर के आती है। मीडिया के सामने ये अमीर खानदान के शहजादे जैसे ही आते हैं, अपना कान पकड़ते हैं और कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए,
हमसे गलती हो गई है। ये जो तस्वीर आपके सामने आ रही है, ये एक तरह से उत्तर प्रदेश में इंसाफ कैसे होता है ये वो दिखा रही है। जो भी माफिया या जो भी मनचले या जो भी दबंग, वो आरोप करने से पहले शायद ये भूल जाते हैं कि वो किसके राज्य में अपराध कर रहे हैं। जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से ही कहते आ रहे हैं कि अगर बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करोगे या फिर अगर कोई भी अपराधी अपराध करेगा तो उसे या तो अपराध छोड़ना होगा या फिर ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी। ये तस्वीर एक बहुत बड़ा उदाहरण है उत्तर प्रदेश में कि सीएम योगी आदित्यनाथ अगर किसी बहन बेटियों के साथ गलत होता है तो किस तरह से इंसाफ करते हैं। जिस उत्तर प्रदेश में माफियाओं का नाम सबसे ज्यादा बड़ा माना जाता था, जिस उत्तर प्रदेश में दबंग अपनी दबंगई करने से पीछे नहीं हटते थे, जिस उत्तर प्रदेश में अमीर खानदान के लड़के अपनी अमीरी दिखाने से बाज नहीं आते थे और राह चलती किसी भी मासूम के साथ गलत हरकत करते थे, आज ये वही तस्वीर उन लोगों के लिए उदाहरण है कि आज उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर इतना गरज रहा है कि आज खुद दबंग कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं और व्हीलचेयर पर बैठे हैं और साथ ही ये कह रहे हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है। आपका इस पूरी वीडियो के बारे में क्या ख्याल है आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।